टांगे घूम चुकी हैं और आप टांगों की शेप देख सकते हो, जैसे तीर कमान की शेप घूमती है उसी तरह इनकी ये लेग्स की शेप घूम चुकी है पूरी। नॉक नीज बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म्स में, और आप ये आकार देख सकते हैं टांगों का। दोनों टांगे अगर मिलाऊंगा भी पेशेंट की तो देखिए गैप है बीच में, नहीं तो आप अपने घर पे अगर एडी मिलाएंगे तो टांगे जुड़ जाएंगे, लेकिन इनके घुटने अगर सीधे करके मैं टांग मिलाने की कोशिश करता हूँ तो दोनों टांगे मिला नहीं सकता। ये नॉक नीज के सिम्टम है, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से पूरा करेक्शन करेंगे हम इसका। सबसे पहले हम इसके अंदर एंकल पे थ्रस्ट देंगे, अभी इनका थ्रस्ट दूसरे नी पे देंगे हम। ठीक है मैम, कंफर्टेबल हैं आप? ये नी पे थ्रस्ट दिया इनके हमने, और प्लस इनको अभी हम हिप का थ्रस्ट देंगे। मैम थोड़ा सा बाहर की तरफ आइए, नहीं आप हेड इधर करिए, अभी आप लेग को ढीला छोड़ दीजिए मैम। ये हम लोग कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से बेसिकली एडजस्टमेंट कर रहे हैं नी जॉइंट का। ये आप देख सकते हैं जैसे नेक लूज हो जाएगी, टांग लूज आ जाएगी, इसको हम थ्रस्ट देके रिलीज करेंगे। अभी दूसरी लेग को रिलीज करेंगे, उस तरफ को आइए, थोड़ा सा इधर को आइए मैम। देखिए आप पूरी तरह से टांग घूमी पड़ी है, आप शेप देख सकते हैं टांग की किस तरह से चेंज हो चुकी है, और ये नी पूरा हाइपर एक्सटेंशन में जा रही है पेशेंट की। अभी देखिए मैं इसे कुरेक्शन करने जा रहा हूं, पहले बिल्कुल नी को हम लूज कर लेंगे यहां से, ये हमने रिलीज कर दिए। अभी इसके बाद मैं हिप जॉइंट रिलीज करूंगा इनका, ये हिप जॉइंट रिलीज कर दिया मैंने, अभी दूसरा हिप जॉइंट रिलीज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है कंफर्टेबल है? अभी हमने लोअर बॉडी की पूरी रिलीज कर ली है। जी सर आप नीज का भी ट्रीटमेंट करते हैं या एंकल का भी ट्रीटमेंट करते हैं, डेफिनेटली हम हेड टू टो फुल बॉडी थ्रस्ट दे सकते हैं, नाक कान आंख कोई भी बॉडी का पार्ट का नाम लीजिए। मैम जरा दोनों टांगे खोलिए, खोलिए मैम खोलिए, बंद कीजिए फिर से, खोलिए फिर से, खोलिए खोलिए। ये हिप का थ्रस्ट मैंने इनको दिया है, अभी इनको मैं बैक का थ्रस्ट दूंगा। मैम उल्टा लेती है भाई परिया, क्योंकि नॉक नीज है, टांगे टेढ़ी हैं, टांगों का आकार चेंज हो गया है, उससे स्पाइन में भी डिस्क बल्ज हो जाता है पूरा पेशेंट के, तो अभी बल्जिंग पूरा करेक्ट करूंगा मैं इनका, क्योंकि तो बल्जिंग की वजह से सारा इनको पेन आ रहा है। सबसे पहले हम लोग थोरेसिक स्पाइन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले थोरेसिक स्पाइन का करेक्शन करेंगे। बहुत बढ़िया, अभी इसके बाद नेक की अलाइनमेंट करेंगे मैम की, क्योंकि नेक की अलाइनमेंट भी पूरी तरह से आउट हो चुकी है। मैम थोड़ा सा गर्दन उठाइए जरा और ऊपर कीजिए। अभी नेक का अलाइनमेंट करेंगे हम इनका पूरा, थोड़ा सा गर्दन को ऐसे करिए मैम, अब इस तरफ को करिए मैम, अब सीधा लेटिए मैम एक करिए। अभी मैंने इनका नेक का C7T1 का अलाइनमेंट किया है बेसिकली, अभी अपर सर्वाइकल वर्टिब्रास करेक्ट करूंगा मैम की। मैम लूज छोड़ दीजिए नेक, अभी इनके हैंड का करेक्शन करेंगे, ये हम एल्बो जॉइंट का करेक्शन कर रहे हैं मैम, ये वाला हाथ गर्दन के नीचे करिए थोड़ा सा ऐसे। अभी हम शोल्डर जॉइंट का करेक्शन करेंगे मैम का, अभी हम दूसरे शोल्डर जॉइंट का भी करेक्शन करेंगे और एल्बो का रेस्ट का सारा करेक्शन करेंगे। मैम इस वाले हाथ को करेंगे, ये हमने सारा इनका करेक्शन कर, अभी नेक का और इनका सारा थोरेसिक स्पाइन का। मैम एक बार ही बैठ जाए, दोनों टांगे नीचे करें, मैम लूज छोड़ी, दोनों हाथ गर्दन के पीछे करिए ऐसे। ये मैं इनको थोरेसिक स्पाइन का अलाइनमेंट करने जा रहा हूं, अभी ये हमने कर लिए, अभी मैं इनको नेक का अलाइनमेंट दूंगा सिटिंग पोजीशन में। आप देख सकते हैं सिटिंग पोजीशन में हम देते हैं अलाइनमेंट। ठीक है मैम कंफर्टेबल है? पेन तो नहीं हो रहा? बस
अभी ये वाला हाथ सर के पीछे करिए मैम, ये वाला हाथ थोड़ा सा आगे, अब ये वाला हाथ, बस अभी सारा अलाइनमेंट मैंने इनका कर दिया ऑलमोस्ट, और मैम का पूरा अलाइनमेंट हो चुका है। थोड़ा सा अभी नेक का रह गया, एक बारी मैम लेटिए आप। इनको एंकल का करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एंकल मैम लेट जाएगी आप लेट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब पेशेंट चल रहा है उसके पैर सीधे नहीं है तो एंकल बड़ा ज्यादा मैलालाइन्ड होता है, तो एंकल का कोरेक्शन अभी हम करेंगे। मैम बेंड करिए नहीं को, ऐसे अभी दूसरी लेग का एंकल कोरेक्ट करेंगे हम लोग। दोनों एंकल्स हमने कोरेक्ट कर लिए। नाम डॉक्टर वरुण दुग्गल है।